लेकिन एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे देते हैं। इस बीच 9 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, तो छत्तीसगढ़ में अब तक 5.66% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की बात बता रहे हैं हम, सुबह 9 बजे तक कितने वोट प्रतिशत अभी तक देखने को मिले। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो 10.39% अब तक वोटिंग हो चुकी है। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की और बची हुई 70 सीटें छत्तीसगढ़ की, जिन पर वोट डाला जा रहा है। कुछ एक जगह छिटपुट परेशानियां, टेक्निकल फॉल्ट्स जरूर सामने आए हैं, लेकिन इस बीच जो 9 बजे तक का मत प्रतिशत है वो सामने आ चुका है, जो कि एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता दें। 10% से ज्यादा मध्य प्रदेश में और 5.5% अभी छत्तीसगढ़ में वोट कास्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर 9 बजे तक सुबह के कितने प्रतिशत मतदान हुए ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी खबरें सामने आ रही हैं और इसीलिए भी थोड़ी सी रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन बहुत जल्द इसे कहा जा रहा है कि जोर पकड़ने वाली है रफ्तार, जब वोटर्स और भी ज्यादा हिस्सा लेंगे। कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की जो खबरें थी इसको लेकर अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जहां अब जांच हो रही है कि आखिर क्या तकनीक खराबी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। एमपी की 230 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान जारी है। बिल्कुल, इस मतदान में वोटिंग परसेंटेज भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 230 सीटों पर जब मध्य प्रदेश में वोट कास्ट हो रहा है, 9 बजे तक आखिर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 230 सीटों पर 10.99% के आसपास अब पहुंच गया है। धीरे धीरे जो आंकड़ा 9 बजे का है उससे कुछ एक आंकड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, तो अभी 3.9% ये आंकड़ा 9 बजे का है और 9 बजे के बाद अब तक की वोटिंग परसेंटेज जो है वो 10.99% तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में जो 9 बजे आंकड़ा दर्ज हुआ था वो था 5.66% और ये वोटिंग परसेंटेज अभी तक 70 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ की जिन पर की वोट कास्ट हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है दूर। लेकिन एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे देते हैं। इस बीच 9 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, तो छत्तीसगढ़ में अब तक 5.66% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की बात बता रहे हैं हम, सुबह 9 बजे तक कितने वोट प्रतिशत अभी तक देखने को मिले। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो 10.39% अब तक वोटिंग हो चुकी है। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की और बची हुई 70 सीटें छत्तीसगढ़ की जिन पर वोट डाला जा रहा है। कुछ एक जगह छिटपुट परेशानियां, टेक्निकल फॉल्ट्स जरूर सामने आए हैं, लेकिन इस बीच जो 9 बजे तक का मत प्रतिशत है वो सामने आ चुका है, जो कि एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता दें। 10% से ज्यादा मध्य प्रदेश में और 5.5% अभी छत्तीसगढ़ में वोट कास्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर 9 बजे तक सुबह के कितने प्रतिशत मतदान हुए ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी खबरें सामने आ रही हैं और इसीलिए भी थोड़ी सी रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन बहुत जल्द इसे कहा जा रहा है कि जोर पकड़ने वाली है रफ्तार, जब वोटर्स और भी ज्यादा हिस्सा लेंगे। कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की जो खबरें थी इसको लेकर और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। महासंग्राम 2023 से जुड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कवायद अभी भी करनी होगी और लगातार छुटपुट घटनाओं की खबरें भी। बिल्कुल, और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, एक दो जगह से अप्रिय खबरें भी आ रही हैं, कई जगह एहतियातन जो प्रत्याशी हैं उन्हें नजरबंद करने की खबरें भी आ रही हैं। लगातार ये अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक अपील आप सभी से, जाएं मतदान जरूर करें, सेल्फी जरूर खींचें और वो न्यूज़ 18 को भेजें, ताकि आपकी सेल्फी दूसरों के लिए एक बड़ी नजीर पेश करे, एक सीख, एक सबक पेश करे, और इस वजह से आपको जाकर वोटिंग जरूर करनी है। इस बीच बड़ा अपडेट, मुरैना से खबर मिल रही है, प्रत्याशियों को मुरैना में भी नजरबंद करना पड़ा। सुमावली विधानसभा के जो तीनों प्रत्याशी हैं उन्हें नजरबंद किया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा उम्मीदवारों को नजरबंद किया गया है। एंदल सिंह, अजब सिंह, कुलदीप सिकरवार, ये सभी, इन्हें नजरबंद किया गया है, यानी इन पर पूरी नजर होगी, बाहर नहीं निकल पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। कार्यकर्ता समर्थक काबू में रहें, स्थितियां बेकाबू ना हो, इसके चलते सुमावली विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रत्याशी नजरबंद किए गए हैं। कुलदीप सिकरवार, एंदल सिंह कंसाना, अजब सिंह, इन्हें नजरबंद किया गया है। सुमावली वही सीट जहां उठापटक को लेकर, घोषित तो प्रत्याशियों को बदलने को लेकर लगातार ये सुर्खियों में सीट रही, और अब जानकारी ये मिल रही है
मुरैना के सुमावली में तीनों प्रत्याशियों को एहतियातन नजरबंद किया गया है। लगातार चूंकि ललित आप देखते आ रहे हैं चुनावों को, खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल को ऐसी स्थिति क्यों झेलनी पड़ती है? अक्सर आप पथराव की खबरें देखते हैं, हमले की खबरें देखते हैं, अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि यहीं के प्रत्याशियों को नजरबंद करना पड़ता है। ऐसी परेशानी अगर होती है तो सुरक्षा बल भी पहले से निपटने के लिए कोशिशें करता है, फिर भी हर बार यही पैटर्न क्यों? ये एक सवाल निश्चित तौर पर प्रमुखता से उठाया जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल, बीजेपी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एंदल सिंह कंसाना, अजब सिंह कुशवाहा फौरन नजरबंद करना पड़ा है, कुलदीप सिकरवार जिन्हें भी नजरबंद किया गया है। प्रत्याशियों को नजरबंद कर ये कोशिश की शांति व्यवस्था अलग अलग मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से चलती रहे, समर्थकों तक जानकारी पहुंचाने का जो काम नेता करते आते हैं, समर्थक उल्टा जो जानकारी पहुंचाते हैं कई बार स्थिति ज्यादा बिगड़ भी जाती है। अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि फेक न्यूज के जरिए कई बार बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होती हैं। कुछ भी भ्रामक अगर आपकी तरफ से शेयर किया जाता है तो किसी भी मतदान केंद्र पर, किसी भी बूथ पर, किसी भी क्षेत्र में वो चिंगारी का काम करता है और आग लगने में फिर देर नहीं लगती। और इसी के चलते सावधानी पहले से ही, सुमावली के तीनों प्रत्याशी नजरबंद कर दिए गए। इससे पहले भी आपने भिंड में भी यही नजारा देखा है, क्योंकि पथराव की सूचना वहां पर भी और मुरैना में भी हंगामे की स्थिति आपने देखी है। तो अब मुरैना से ये बड़ा अपडेट, और जैसे भिंड का जिक्र अभी अवंतिका कर रही थी, भिंड में भी एहतियातन ये करना पड़ा, और अब तीन प्रत्याशी जो सुमावली के हैं, मुरैना की सुमावली सीट से, उन्हें नजरबंद किया गया है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर नेताजी नजरबंद हैं, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तीनों नेता एक साथ बैठे हुए हैं, अभी अगर आप इनसे बात कर लें तो ये तीनों एक दूसरे पर आरोप भी निश्चित तौर पर लगाएंगे। ये सियासत की बात हो गई, रहा सवाल सिस्टम का, तो सिस्टम दुरुस्त तरीके से काम करता रहे और शांति व्यवस्था बनी रहे, मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए एहतियातन इन्हें नजरबंद किया गया है। भिंड के बाद अब मुरैना के सुमावली इलाके में भी एहतियातन नजरबंद, नेताजी नजरबंद हैं। इन सबके बीच जानकारी की खिड़की आपकी स्क्रीन जो लगातार न सिर्फ इतिहास बता रही है बल्कि वर्तमान भी हम आपको बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, इंटरैक्टिव तरीके से ग्राफिकल फॉर्मेट में जानकारी की नाव नीचे लगातार चल रही है और इसकी पतवार आपके हाथ में है। जितना तेजी से आप पतवार चलाएंगे यानी वोट करेंगे, उतना तेजी से ये आंकड़े बढ़ेंगे। साफ सफाई में अव्वल इंदौर आखिर वोटिंग में क्यों पीछे रह रहा है, यह भी बड़ा सवाल। रतलाम से 13.72%, ये 9 बजे के आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। हर घंटे के आंकड़े सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको अपडेट करेगा। बीच की तस्वीरों पर भी नजर रखिए, नेताजी नजरबंद हैं, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ को लेकर भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं महामुकाबला कहां कहां किस किस दिग्गज के बीच है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, आप मुरैना में मौजूद हैं, आप लगातार पथराव की घटनाओं को रिपोर्ट कर रहे हैं, फिलहाल नेताओं को नजरबंद किया गया है, इसके अलावा क्या अपडेट? बिल्कुल, आपने तरीके से जो विधानसभा क्षेत्र से निकलकर आई थी और उसके बाद जो जो प्रत्याशी हैं सुमावली विधानसभा क्षेत्र के, उनको यहाँ पर नजरबंद किया गया है। पुलिस टाइम का कॉन्फ्रेंस हॉल है, उनको अभी रखा गया है, क्योंकि प्रशासन को इस बात की आशंका थी कि यहाँ पर इस तरह का उपद्रव जो है हो सकता है। यही कारण है कि आप कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम जो तीनों प्रत्याशी हैं, कांग्रेस बीजेपी इसके अलावा बसपा के प्रत्याशी, उन लोगों को यहाँ पर फिलहाल रखा गया एहतियात के तौर पर। लेकिन लगातार जो अगर बात करें तो सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र जो है वो यहाँ माने जा रहे थे, ऐसे में अब किसी तरह की कोई परेशानी मतदान प्रक्रिया को में व्यवधान ना हो, इसको लेकर तमाम जो प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा किए गए थे। यही कारण है कि ये जो आप यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम है उसमें प्रभाव, और यही वजह है कि इन तीनों जो प्रत्याशी हैं इन्हें नजरबंद किया गया है। बाकी अगर पूरे मुरैना की बात कर ली जाए, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जो इस तरह की अप्रिय खबरें हैं वो कई एक इलाकों से और भी आ रही हैं। शैलेंद्र,
बिल्कुल ललित जी, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लगातार कुछ इलाके ऐसे खासकर दिमनी विधानसभा क्षेत्र से इस तरह की खबरें आई थी। मिर्घान गांव में दो पक्षों के बीच में पथराव की खबर आई थी और उसके बाद भारी पुलिस बल जो है उस पोलिंग सेंटर्स पर तैनात किया गया और जिन जिन इलाकों से इस तरह की हल्की फुल्की हिंसाओं की जो खबर आ रही वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। देखिए जो स्थानीय स्तर पर जो पोलिंग पर जो पुलिस फोर्स लगाया गया था वो तो है ही है, उसके साथ लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट हो या अन्य जो लोग हैं वो लगातार कॉम्बिंग गश्त भी कर रहे हैं और जिन इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं वहां पर वो पहुंचकर जो शांति व्यवस्था है उसको बहाल करने का प्रयास उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। जी, तो लगातार कोशिश की जा रही है शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, मतदाताओं को सुरक्षित महसूस करवाया जा सके। इन सबके बीच मतदान पर कहीं किसी तरह के असर की खबर, शैलेंद्र? देखिए अभी तक की अगर बात करूं तो किसी तरह की कोई असर की खबर फिलहाल हिंसा की वजह से तो नहीं है, हालांकि कुछ इलाकों में जरूर ये खबरें आई थी कि ईवीएम जो है वो मशीनों में गड़बड़ी पाई गई थी और उसके बाद कुछ जगह मशीनें बदली भी गई, कुछ जगह ठीक भी की गई हैं और अभी वर्तमान में पूरे अगर मुरैना जिले की बात करूं तो मतदान जो है वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। जिस तरह की तस्वीरें ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है कि बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, हालांकि शहरी इलाकों में ये मतदान जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि दोपहर के बाद से शायद ये बड़े मतदान चल रहा है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में इसका असर नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका चैलेंज फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और अलग अलग रिएक्शंस भी हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। जनता तो वोट करने पहुंच ही रही है, लेकिन राजनेता इसे लेकर क्या कुछ सोचते हैं, मुद्दों को लेकर क्या राय रखते हैं, एक बार फिर से आप देखिए। भरतपुर सोनत विधानसभा के कांग्रेस के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी गुलाब कमर हमारे साथ, अभी उन्होंने मत का प्रयोग किया, आप देख सकते हैं मत का प्रयोग किया है कि आज लोकतंत्र का महापर्व है, किस तरह से आप इसको इस महापर्व को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या बताएंगे? पूरे देश का हो हमारा ये महापर्व है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक वोट से हमारा देश का निर्णय होता है, इससे सरकार बनती है, इसलिए हम लोग अपना आज देखेंगे पूरे विधानसभा में अपना मत का उपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से जो 5 साल भूपेश है तो भरोसा है स्लोगन जो चला था, लगातार किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए, आदिवासियों के हित में 51 योजना संचालित है, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार का फिर से भरोसा जनता का मतदाताओं का प्रति झुकाव बढ़ा है। इधर महिलाओं के लिए भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है सभी के खाते में 15,000 रुपये साल में आएगा, तो लोगों में बड़ा उत्साह है। किसानों को कर्जा माफ़ी, स्व सहायता समूह की बहनों का हमारे कर्जा माफ़ी, तो लगातार है कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा किया है, इसीलिए लोगों को विश्वास है इस बार फिर से छत्तीसगढ़ की सरकार और यहाँ का विधायक फिर से कांग्रेस पार्टी का होगा। आम वोटरों की तरह आप लाइन में खड़े रहे, किस तरह से संदेश देना चाह रहे हैं? हमने देखा होगा पूरे चुनाव में हम लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया है, नियमों का हमने पालन किया है लगातार, नहीं तो देखेंगे ये भाजपा के प्रत्याशी थी बिना अनुमति के रोड शो करना, रैलियां करना, कहीं भी चले जाना, कल 3-4 जगह लड़ाई झगड़े हुए, 1-2 जगह मारपीट किए थे, हमने बिल्कुल नियमों सरकार में रहने के बाद भी हमने नियमों का पालन किया है और सबके साथ होकर नियमों के साथ आचार संहिता का किसी भी प्रकार का हमने उल्लंघन नहीं किया, नियमों का पालन करते हुए अक्षरशः हमने मतदान का भी किया। आज अग्नि परीक्षा का दिन है, साथ ही किस हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचे, किस तरह से अपील करेंगे? देखिए सबसे तो मैं सभी मतदाता भाई बहनों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपके छत्तीसगढ़ में जो किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं तो सभी से मैं अपील यही करना चाहता हूँ, गांव के विकास को अपना मत का उपयोग करना चाहिए जिससे गांव में और क्षेत्र में विकास हो, तो विकास के साथ सभी मतदाता भाइयों को वोट करने की अपील करता हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के वर्तमान विधायक और भरतपुर सोनत के कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमर है, जो कि अभी उन्होंने मतदान किया है और उन्होंने आम लोगों से आम वोटरों से उन्होंने अपील की है कि सभी वर्ग के लोग यहां आए, अपना मत का प्रयोग करें, जो कि लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई जो है लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई सहभागिता बने, मत का अपना प्रयोग करें। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। लोगों के हित के मुद्दे हैं, लोगों के बेहतर जीवन के व्यवस्था को बना पाने में जितनी सफलता मिले वो प्राथमिक है और उसके साथ में अधोसंरचना का विकास जितना हो सके वो मेरे लिए दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता व्यक्ति और परिवार की बेहतरी और उसके साथ में सेकंड नंबर मेरे लिए अधोसंरचना। जो एलिगेशंस लगे वो कितना मतलब डेट्रिमेंटल है आपके? आप खुद ही कह रहे हैं एलिगेशंस, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अगर सबूत है कि आरोप नहीं सबूत, कार्रवाई की बात करिए, मैं आपको कह दूंगा आपने चोरी की, क्या मतलब है उसका, उसका क्या मतलब निकलता है? आप राजनीति में वोट दूसरे आधार पर नहीं ले पा रहे, आपको कहना पड़ेगा कि टीएस बाबा ने पैसे ले लिए, यानी चुनाव लड़ रहे हो, मुद्दों पे आप बात करो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे पब्लिक के लिए, ये ईडी के पल्लू के पीछे क्यों?
लोग धन बल को नकार दिए हैं, जन बल का समर्थन कर रहे हैं। और मैं सभी सपानी मतदाता भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग अपना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। मंत्री राजेश मोड़ जी मतदान करने पहुंचे हुए हैं, परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ मतदान करने आए हैं, किस तरह की अपील करेंगे? लोकतंत्र का महापर्व है, हर व्यक्ति अपने मत का उपयोग करें, यह आग्रह करना चाहता हूं। इस रायपुर शहर में, इस प्रदेश में भय मुक्त सरकार बने, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, दो पहिए की सरकार बने, ताकि दोनों पहिए आसानी से चल सके, ताकि निर्माण के कार्य की गति बढ़े और प्रदेश के अंदर पूरे एक शुद्ध वातावरण में अच्छी सरकार का निर्माण हो, इस कल्पना को लेकर आगे निकले। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरे आप परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, सपत्निक हैं, परिवार के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। और किस तरह का उत्साह है, एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं लंबी कतारें लगी हुई है, यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स भी तैनात किया गया है, क्योंकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो और उससे निपटने के लिए पूरा पुलिस बल और फोर्स है वो तैयार किया गया है। राजेश मूरत अभी मतदान करने पहुंचे हैं और अंदर जा चुके हैं, मतदान करने के बाद वो लौटेंगे और उनका पूरा परिवार है यहां मतदान करने एक साथ पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचेगा, लेकिन दो नए मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करवा देते हैं। KS चौहान साहब, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। अंशुल मिश्रा साहब, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सीधे अंशुल मिश्रा साहब के पास ही लिए चलते हैं। मिश्रा साहब, दावा भी किया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि अब तो बदलाव होगा, क्या कुछ देख पा रहे हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर? नहीं, शुरुआती दौर है। सर्वप्रथम तो मैं एक जिम्मेदार नेता होने के नाते और जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सारे सारे मतदाताओं से ये कहूंगा कि अपने घर से निकलिए और अपने लोकतांत्रिक उन मूल्यों का जो उनको अधिकार मिले हैं कांग्रेस द्वारा, संविधान द्वारा जो अधिकार मिले हैं, उसका भरपूर प्रयोग कीजिए। एक बात, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, ये लड़ाई है और ये लोकतांत्रिक लड़ाई है, ये उसकी लड़ाई है, भरोसे बनाम छलावा की लड़ाई है। और छत्तीसगढ़ की जनता जो कि शांत टापू में रहती है, बड़ी शांत और समझदार है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले निकटतम भविष्य में बहुत सुंदर और मनोरम तरीके से वह अपना डिसीजन लेगी। और डिसीजन लेते हुए जो भरोसे की सरकार पिछले 5 वर्षों में चली है, आने वाले 5 वर्षों का सेवा करने का निर्णय जो है वह सरकार हमें देगी। और जिस प्रकार से हमने उनकी सेवा करी है, उसी प्रकार से हमें सेवा करने का एक और अवसर देगी। ये छलावे की सरकारें हैं, जैसे कि अभी TS सिंहदेव जी ने कहा है कि ईडी के पल्लू में छुपके चुनाव लड़ने की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होने वाली नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ है ये, और छत्तीसगढ़ की जनता का एक पुराना इतिहास रहा है जो बखूबी आप और हम बहुत अच्छे से समझते हैं। आने वाला वक्त ठीक है, तमाम चीजें तो है ही। अंशुल जी, चौहान जी से भी समझ लेते हैं। चौहान जी, इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि बड़े बड़े दावे तो आपकी पार्टी कर ही रही है, दूसरी तरफ जो मौजूदा स्थिति आप देखते हैं, आपकी विपक्षी पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, फिलहाल क्या कहेंगे प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल मोहतरमा, सबसे मेन बात यह है कि जो दावे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसका एक आधार है, क्योंकि अगर हम 18 लाख पीएम आवास के बारे में बोलते हैं तो हमने पूरे देश में 2 करोड़ आवास बनाए हैं। अगर हम आयुष्मान के लिए 10 लाख बोलते हैं तो हमने 5-5 लाख रुपए आयुष्मान के लिए 58 लाख हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ में ही दिया है। अगर हम धान की बात बोलते हैं तो धान हमने 80% छत्तीसगढ़ का धान जो था वो हमने दिया है, जो कि 5 लाख क्विंटल से लेकर 70 लाख क्विंटल तक पहुंचाने का काम रमन सरकार ने किया था छत्तीसगढ़ में। जो भी हमने वादे किए उसका एक आधार है, और हम समय बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि चौहान साहब, लेकिन आपके ये सारे जो प्रयास थे वो तो प्रचंड तरीके से खारिज हुए ना, और अब जी आपने जो धान का जिक्र किया, अभी भी आपको अपने घोषणा पत्र में धान का प्राइस बढ़ाना पड़ा, कांग्रेस तो उसका क्रेडिट ले रही है। किसका क्रेडिट ले रही है? धान का समर्थन मूल्य जो आपने 3100 किया, कांग्रेस का कहना है कि हमारी देखा देखी करना पड़ा। जब सदन में पूछा गया था महोदय कि
कि किसको कितना दिया गया है, पैसा कितना दिया गया है, किसके मत से दिया गया है। तो इनके ही अमरजीत भगत जी ने सदन में बोला था कि 51,000 करोड़ रुपया अभी तक केंद्र सरकार ने दिया है और 11,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया है, टोटल 62,000 करोड़ रुपया अभी तक हमने दिया है इसका समर्थन मूल्य का किसानों को। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 80% जो है, और ये संघीय व्यवस्था में आप देख भी सकते हैं कि 80% जो है जो समर्थन मूल्य एक साथ जो मिल रहा है जी। वो केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा है, जो इन्होंने राजीव गांधी के हिसाब से आपने जो योजना दी है वो 4 किस्तों में ये दे रहे हैं। तो वो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे बखूबी से जानती है। और अभी जो हमारा घोषणा पत्र आया है वो हम 65,100 रुपया टोटल 1 एकड़ में हम दे रहे हैं। तो मानिए ऐसा लगता है जैसे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने साथ साथ बैठ के इस बार तैयार किया है, ज्यादा डिफरेंस नहीं देख रहे हैं। एक और सवाल अंशुल जी आपसे रहेगा, चूंकि अपराध को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है भारतीय जनता पार्टी और उस प्रकार की खबरें हम लगातार पढ़ते भी हैं रोज, अपराध को लेकर क्या नीति रहेगी? आपको लगता है कि ये एक फैक्टर है जो कि कांग्रेस के लिए, आपकी पार्टी के लिए बहुत वीक रहेगा? मोहतरमा, मुझे यह उम्मीद थी कि आज परीक्षा के दिन तो कम से कम बीजेपी के नेता जो है वो नकल करने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन कर दी। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये जनता ये पूछ रही है कि आप हमें 3100 रुपए तो दे रहे हैं लेकिन बाकी के हिंदुस्तान में क्यों नहीं दे रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरियों को पूरा करेंगे 2 साल के भीतर में, तो जनता ये पूछ रही है कि पूरे देश में 80 लाख खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं, आपको उसको रोकने से किसने रोका है, भरने से किसने रोका है, जनता ये पूछ रही है। जनता ये पूछ रही है कि आप जब स्वरोजगार की बात करते हैं तो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात आपने करी थी आज तक, रोजगार ट्रैक रिकॉर्ड तो का भी खराब है। अगर आंकड़ों पर रोजगार का ट्रैक रिकॉर्ड तो आपका भी खराब है। बेरोजगारी भत्ते का जिक्र आपने किया और इंतजार 4 साल तक करवा दिया। ये बड़ा उम्दा प्रश्न आपने किया है कि बेरोजगारी भत्ता, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं हमारी सरकार बिल्कुल बेरोजगारी देने के लिए, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में कम से कम रोजगार हो, वह स्वावलंबी बने, गांधी जी की रूपरेखा पर हम काम करना चाहते हैं। लेकिन वारे देश की मोदी सरकार 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देती है तो उसमें छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं आता है क्या? वही तो दिक्कत है। साल में सबसे ज्यादा आज स्वावलंबन का जिक्र आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्वावलंबी तो शराब वाले बन गए हैं। सबसे ज्यादा स्वावलंबी छत्तीसगढ़ का युवा बना हुआ है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। क्योंकि स्वावलंबी इसलिए बना है कि एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में 167% की वृद्धि अगर कहीं हुई है पूरे हिंदुस्तान में तो छत्तीसगढ़ में हुई है। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य अगर कोई है पूरे हिंदुस्तान में तो छत्तीसगढ़ है। और सबसे ज्यादा संबल अगर कोई है किसान कहीं का तो वो छत्तीसगढ़ का है। वो बात यही होती है कि आधा गिलास भरा है कि खाली है, तय हमें और आपको बुद्धिमत्ता के अनुसार करना है। और मैं समझता हूं कि हर एक व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश होती है। जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छे से, अशोक जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि आधा ग्लास खाली है या भरा है। तो एक आवाम को मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, एक बच्चा है, नाम है उसका धनेश्वर, वो मोटर बाइक चलाता है, जिस तरह से आजकल आप तमाम तरह की गाड़ियां किराए से लेते हैं, रोजाना वो गाड़ी चलाता है, औसत वो 300 रुपए कमाता है, इस हिसाब से महीने का वो 9,000 रुपए कमाता है, उसे एक पूरे परिवार को पालना है। अब सवाल यह है कि 300 रुपए प्रतिदिन पे एक परिवार, ये आवाम के लिए सवाल है, इसे किस तरह के रोजगार से आप जोड़कर देख सकते हैं। आपके पास में एक और अंशुल जी एक सवाल रहेगा, फिर बीजेपी के पास जाएंगे। आप जिक्र करते हैं धान का, बीजेपी का कहना यह कि 80% पैसा हम दे रहे हैं और 100% क्रेडिट आप ले रहे हो। अंशुल जी, सर 2 सेकंड के लिए अगर बीजेपी के इस नकली वक्तव्य को असली मान लिया जाए तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ अगर धान का कटोरा कहा जाता है तो जो उत्तर प्रदेश है वह मिनी धान का कटोरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के राघवगढ़ के बड़े क्षेत्र में धान खरीदी जाती है, कितने रुपए में खरीदते हैं? अगर आप 80% देते हैं 1200 रुपए में, 1600 रुपए में, 1160 रुपए में, 3 राज्यों में 3 अलग अलग रेट डिसाइड करते हैं। मार्क्सवेट एक कंपनी है, और अगर ये कहते हैं कि हम 80% खरीदते हैं तो इनको तो अभी तक जारी कर देना था कि छत्तीसगढ़ शासन को इन्होंने किस मद से पैसा दिया, इनको ये बता देना था, एक पर्ची सामने ला देनी थी कि हमने ये देखी ये पावती है भैया हमने ये पैसा दिया है। ये झूठ और फरेब की राजनीति क्यों करते हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये बीजेपी के नेता धान को कम से कम समझने लगे, ना केवल धान को बाकी और
और अलग अलग चीजों को समझने लगे। ठीक है, मिलेट्स को तो ये जानते नहीं थे मान्य साहब, तो सभी को फायदा हो रहा है ना, धान खरीदी से सबको फायदा हो रहा है, ये भी तो आप ही लोग बोलते हो, बीजेपी वालों का भी तो धान बिक ही रहा है। बिल्कुल, बीजेपी वालों को धान बिक रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, उनकी जेब में पैसा जा रहा है, इसी की प्रतिलिपि है ग्राम स्वराज योजना के तहत। ठीक है, तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगता है कि काफी स्ट्रांग पोजीशन में है ही। के एस चौहान जी, जवाब अंशुल जी की बात का भी, और बड़ी बात ये एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, लगातार हम देख रहे थे केंद्रीय नेताओं के दौरे यहाँ पर हुए, बड़ी बात उनके संबोधन से जुड़ी हुई, 20% आपके नेता ये कह रहे थे कि आगे अगर सरकार बनती है तो क्या करेंगे, 80% भाषणों में हमने प्रदेश सरकार की बुराई सुनी है। एक एजेंडा जो कि छत्तीसगढ़ का नॉर्मल व्यक्ति समझना चाहेगा कि आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या लाभ देंगे, मुझे लगता है इस बार फोकस इस चीज पर कम रहा है। जी नहीं मोहतरमा, सबसे पहले मैं अपने साथी प्रवक्ता का नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि जो समर्थन में उन्हें रहता है केंद्र का, वो पूरे भारत में होता है, ना कि कोई किसी स्टेट के लिए। अगर 2160 रुपए दिया गया है तो पूरे भारत के लिए दिया गया है, ना कि अलग अलग स्टेट के लिए। दूसरा, जब इनके खुद के टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं कि 12 हमने कणिकाओं को अभी तक छुआ नहीं है, 12 हमने वादे पूरे ही नहीं किए हैं, तो उनको ये बोलने का ये हक नहीं है कि आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए। मुद्दों की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और इसी में एक ये भी मुद्दा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारा शीर्ष जो जनप्रतिनिधि है, वो किसी घोटाले में, किसी महादेव ऐप में, किसी कोयले घोटाले में, किसी शराब के घोटाले में, किसी जमीन के घोटाले में, रेत के घोटाले में उसको बढ़ावा दे रहा है। ये मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, ये छत्तीसगढ़ का पैसा खा रहे हैं, इस वजह से। बात तो बहुत अच्छी कर दी आपने चौहान साहब, इतने अच्छे राजनेता होने के बावजूद गारंटी मोदी के नाम की देनी पड़ रही है आपको। जी, गारंटी मोदी के नाम से होगी, क्योंकि गारंटी मोदी के नाम भी क्या है, मोदी गारंटी ये है कि हमारे कामों की गारंटी है, जो हमने हिस्ट्री में किए हैं, हाँ। उन कामों की गारंटी है, हाँ। और मोदी की गारंटी इसलिए बोली जाती है क्योंकि मोदी ने काम करके दिखाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनधन योजना के तहत 1,60,000 यहाँ पर 1,60,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद हमने ठेलीखोमचे वालों को आर्थिक मदद दी है, हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन वालों को मदद दी है, उसके बाद हम व्यवस्था में है, उसके बाद हम लोग रोड बनाने में सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद हम अपराध घटाने में बहुत अग्रणी है। तो ये मोदी की गारंटी है साहब, मोदी की गारंटी मतलब उन्होंने एनसीआरबी के ही आंकड़े हैं, आपकी ही सरकार रही जब मैं तब की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब के अगुवाई में, और तब के आंकड़े वो लगातार आपको परेशान करने वाले आंकड़े थे, तब किसानों के आंकड़े पर सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ा। चौहान साहब बात करेंगे ना, अभी बहुत लंबा वक्त है, कुछ और अहम खबरों को भी लेकर लगातार हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज 18 के मंच पर, रमेश देवगन के सवाल पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी पार्टी और सरकार की सराहना हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एमपी में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लाडली बहना योजना की सराहना हो रही है। आप 18 साल से शासन में है, क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ आपकी, बीजेपी और कांग्रेस की एक कड़ी टक्कर है, क्योंकि 18 साल से आपका शासन है और इस बार कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार चोरी करी इन्होंने, इस बार बीजेपी को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं, वो बेचारे बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी कितना सुनती है वो खुद ही जानते हैं, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी के रूप में भी और सरकार के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम लोगों के लिए किया है, उसको सब दूर सराहना मिली है, ताकत मिली है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, यह बात स्पष्ट रूप पर आपने वहां पे फ्री की पॉलिटिक्स का सहारा लिया है, आप उसका विरोध करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लाडली बहनों को जो आर्थिक मदद दे रहे हैं, लास्ट 3 महीने में जो मध्य प्रदेश शासन ने फैसले लिए, वो ऐसा दिखा रहा था कि डेस्परेशन थी भारतीय जनता पार्टी में या फिर कोई डर था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं का सशक्तिकरण करना यह हमारा उद्देश्य रहा है, और लाडली बहना योजना उसका एक रास्ता रहा है, और उसको सबदूर सराहा गया है, और ये बताता है कि किस तरीके से गरीब महिलाओं को इस आर्थिक मदद के कारण उनके परिवार में उनको ताकत मिली है, यह भी बताता है।
तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत उन्होंने की है और ना सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि हर एक दिग्गज नेता की बात आप तक पहुंचाएंगे। मतदान की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है, मतदान में अपना सहयोग जरूर करते रहे। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जानकारी की बोट चल रही है, इन्फॉर्मेशन का क्रूज चल रहा है और सीधे कभी भोपाल ताल तो कभी बूढ़ा तालाब हम आपको ले जा रहे हैं। इसी तरह से चर्चाओं के दौर भी चलेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।